गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में जो है मैं पीरियोडिक फंक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूले के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया था कि फंक्शन कैसा है और जनरल जो फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसका इसका कैसा कनेक्शन रहता है। तो लेट अस सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, आपको दो फंक्शन यहाँ पे दिया है, 30 साइन ओमेगा टी एंड 0 एट, देखो टी के देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, और दूसरे देखो कहाँ से कहाँ तक दिया है, पाई बाई ओमेगा से लेके दिया है 2 पाई बाई ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंस एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, देखो तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है नहीं की, तो देखो आपकी वैल्यू कितनी होगी टी की, 0 टू टी, तो 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये किसकी वैल्यू देखो तो आपकी टी की वैल्यू होगी। ठीक है, इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये अपने मिल गया यहाँ पे। अब जो है उसको फॉर्मूले में पुट अप करो जो अपन ऊपर में लिख रहे थे। सिंस एल ऑफ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन में, ये जो दिया ना अपॉन में उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो क्या होगा पता आपको, इजी होगा सॉल्व करने में, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस, देखो यहाँ पे जो टी की वैल्यू बताओ क्या आपको दिया, यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा दिया हुआ है, उसको असली फॉर्म में 2 पाई एस अपॉन में ओमेगा, टी की जगह पे क्या क्या देखो तो इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, एस को मैं क्या किया 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या लिख दिया यहाँ पे ओमेगा लिख दिया। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये कहाँ से आपका आया है, ये देखो आपको ऊपर लिखा कि नहीं, 0 टू टी इट इज 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज लिख दिया, एफ ऑफ टी डी टी एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज लिख दिया सब कुछ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सिंस मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे दूसरा दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है अपन उसी टाइप से यूज़ करेंगे, तो जो बाहर में रखा उसको बाहर ही रहने दो। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस अपॉन में ओमेगा, तो यहाँ पर अपना क्या बनेगा, दो फंक्शंस होंगे, फर्स्ट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो देखो अपना क्या बन जाएगा, ये आराम से सॉल्व करना है इसको, 0 टू पाई बाई ओमेगा ई की पावर माइनस एस टी, देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, साइन ओमेगा टी डी टी, देखो फर्स्ट फंक्शन क्या दिया आपको, 0 टू पाई बाई ओमेगा में क्या दिया आपको फंक्शन, साइन ओमेगा टी दिया हुआ, तो एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस की लिख के यहाँ पे लिखो पाई अपॉन में ओमेगा, दिस इज 2 पाई अपॉन में ओमेगा ई की पावर माइनस एस टी को एज इट इज लिख दिया, दूसरा फंक्शन देखो क्या क्या आपको यहाँ पे क्या दिया, 0 दिया हुआ है, तो 0 डी टी। ठीक है, आपको पता होगा वैसे 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है आपका 0 होता है, तो अच्छी बात है कि इसको अपने क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, 1 अपॉन में देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस अपॉन में ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपको, यहाँ पे 0 टू पाई बाई ओमेगा ई की पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी, मुझे करना क्या सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जो हम लोग फोरियर सीरीज में यूज़ किए थे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्या था बताओ, तो ऐसे कुछ फंक्शन दिया था। ठीक है, मैं फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूँ, आपको देख लेकर ई की पावर ए टी साइन बी टी डी टी इक्वल्स टू क्या था, ई की पावर ए टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बताओ क्या था अपने पास, ए साइन, देखो पहले साइन था कि नहीं, तो पहले साइन आएगा साइन बी टी, साइन है तो यहाँ पे क्या होगा आपको माइनस होगा, फिर बी कॉस बी टी, ऐसे कुछ था फॉर्मूला आपका वहाँ पर। ठीक है, एक बार देखिएगा उसको, है ना, फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा मैं, तो आपकी ए की वैल्यू बताओ क्या यहाँ पे दी हुई है, आपकी माइनस एस दिया हुआ है, और बी की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे ओमेगा दे दिया है, देखो तो टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया आपको, ओमेगा दिया हुआ है, तो
तो यहाँ पे वी का देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, ओमेगा हो जाएगा। तो चलो अब लिखना चालू करो इसको, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे मुझे निकालना है दिस इक्वल्स टू वन अपॉन में वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई एस अपॉन में ओमेगा, यहाँ पे कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे। ओके अब वैल्यूज को जो यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप करो, देखो क्या होगा यहाँ पे, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में, ये देखो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा अपना एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपना ये, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए माइनस एस, फिर क्या लिखा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी, फिर माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, जीरो टू पाई बाई ओमेगा तक रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव बाहर निकाल लो, ठीक है। देखो क्या बनेगा आपके यहाँ पे, वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई एस अपॉन ओमेगा, दिस इज माइनस ई की पावर माइनस एस टी, ये बताओ माइनस कहाँ से आपका, यहाँ से जो कॉमन निकल गया है, ठीक है, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके अब अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अपन लोग लिमिट को पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट पुट का बताओ कहाँ पे करेंगे अपन, एस की जगह पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे बताओ, तो टी की जगह पे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन किसके रिस्पेक्ट में इसको अपन इंटीग्रेट किए हैं, टी की जगह पे किए हैं, तो टी की जगह देखो क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, पाई बाई ओमेगा लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस एस पाई बाई ओमेगा यहाँ पे हो गया। यहाँ वैल्यू पुट अप करो, ये नेगेटिव अपन बाहर निकाल चुके तो दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो एस साइन ओमेगा टी, टी की जगह पे जब मैं पाई बाई ओमेगा रखूँ तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई, फिर माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, पाई बाई ओमेगा है, तो टी की जगह पे जब पाई बाई ओमेगा रखूँगा तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, इतना क्या बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है। तो उसका ऐसा मैं कर दिया, ठीक है। अगर अपर लिमिट नेगेटिव तो अपना लोअर लिमिट हो तो क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ प्लस लिखिए लोअर लिमिट लिखो, वहाँ पे लोअर लिमिट अगर क्या दिया आपका, टी की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जीरो कर देंगे, तो दिस इज ई की पावर जीरो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है अपना हो गया। यहाँ पे देखो क्या होगा, एस साइन जीरो प्लस यहाँ बताओ क्या होगा अपना, ओमेगा कॉस जीरो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ प्लस इसलिए होगा बिकॉज ऑलरेडी जो है ना अपने नेगेटिव में कॉमन निकाल चुका था, ठीक है। तो इसको जो आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लो, ठीक है। आई होप आपकी ये वाला जो स्टेप है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेप आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। वैसे साइन जीरो का तो वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती कि नहीं, तो ये अपना जीरो हो जाएगा और ये अपना क्या होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो दोनों अपना कैंसिल हो चुका है, छोटा हो गया अपना इक्वेशन, ठीक है, अच्छी बात है। तो दिस इज वन अपॉन में वन माइनस ए की पावर माइनस टू पाई एस अपॉन में ओमेगा, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एज इट इज लिखो, देखो कॉस पाई के लिए कितनी तो माइनस वन होती है, तो माइनस वन इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, तो माइनस ई की पावर माइनस एस पाई अपॉन में ओमेगा अपॉन में, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ओमेगा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो यहाँ पे लिख लो, वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्या लिख बताते हैं यहाँ पे, ओमेगा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ बताओ तुम्हारे पास क्या बचेगा, प्लस देखो ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, ये अपना ओके ओमेगा हो गया, ये अपना क्या वन हो जाएगा, ठीक है, वन हो गया यहाँ पे, वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आपको ओमेगा है और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी वन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा डॉट ओमेगा, कर लिया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, देखो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे ओमेगा बाहर निकल रहा है, तो उसको ओमेगा को बाहर निकाल दो अपॉन में, ये तो है वो कॉमन बाहर, साथ में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर देखो आपको कॉमन निकल रहा है, तो वन माइनस ई के पावर माइनस टू पाई एस अपॉन में ओमेगा, ये ऐसा आ गया, फिर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कर लिया, वी देखो बाहर निकाल दिया। अब देखो ऊपर में तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचा हुआ है, और देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, नेगेटिव बचा हुआ है, ठीक है। देखो तो एक बार यहाँ पे ये तो माइनस था, ठीक है, माइनस था कि प्लस था यहाँ पे, अच्छा प्लस था यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे प्लस प्लस था ना यहाँ पे दोनों जगह पे, तो इतना प्लस होना चाहिए था, ठीक है,
प्लस में बाद वो क्या होगा अपना, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज ये अपना क्या होगा ओमेगा प्लस में है, ये अपना माइनस होगा, अब तो माइनस वन, ये अपना माइनस क्या होगा अपना ये प्लस हो जाएगा ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट विथ ये अपना क्या देखो तो आपके ई की पावर माइनस एस पाई अपॉन ओमेगा, ये अपना हो गया आपके ओमेगा ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ मैं दोनों जगह से, यहाँ पे ओमेगा आ चुका है, यहाँ पे क्या बचा देखो आपके पास सिर्फ एक वन बचा हुआ है ठीक है। तो ये बताओ अपना क्या है लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी ठीक है, और ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दिस इज माई आंसर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है दिख रहा है आपको लेकिन बहुत ईजी है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए और जहाँ पे फंसोगे ना वहाँ पे एक बार जो है इसको आप चेक कर लेना ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।